स्कूप, स्कूप यानी कि सनसनीखेज खबर। पत्रकारिता की दुनिया में, जर्नलिज्म की दुनिया में स्कूप नाम का वर्ड जो है काफी यूज होता है, और यानी कि सनसनीखेज खबर को लाने के चक्कर में जो चाहे जैसे भी करे, लेकिन जब ये खबर जो पहले जर्नलिस्ट ब्रेक करता है उसकी सिर्फ वाहवाही नहीं होती बल्कि उसका प्रमोशन भी तय हो जाता है और वो टीम का लीडर बन जाता है, बहुत आगे चला जाता है कामयाबी के दौर में। लेकिन इसी हाई कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में कब कोई क्राइम रिपोर्टर कैसे क्रिमिनल बन जाता है, इसी कहानी को वेब सीरीज के रूप में लेकर आ रहे हैं हंसल मेहता स्कूप नाम की वेब सीरीज में, जो नेटफ्लिक्स पर 2 जून को रिलीज होने वाली है। कुल 2 मिनट 45 सेकंड के इस ट्रेलर में करिश्मा तन्ना को हमने देखा, जागृति पाठक नामक जर्नलिस्ट के रूप में, जो काफी एडवांस्ड है, मॉडर्न है, हर तरह के डांस वांस कर रही है, घरेलू भी है, लेकिन न्यूज को लाने के लिए वो क्या क्या हथकंडे अपनाती है, किसी भी तरह से उसे वो ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक करनी है, और इस चक्कर में किस तरह से वो अपने कलीग की हत्या करवा देती है, इस कहानी को पूरी तरह से दिखाया जाएगा। और यह जो कहानी है, वेब सीरीज है, यह जिग्ना बोरा की बुक बिहाइंड बार्स इन भाईखला, माय डेज इन द प्रिजन नामक बुक से इंस्पायर्ड है। हालांकि अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है, मैंने भी नहीं पढ़ी है, तो कोई बात नहीं, अब हम इस बुक का ट्रांसफॉर्मेशन विजुअल रूप में देख सकते हैं। और हम जानते हैं कि हंसल मेहता जैसे मंझे हुए डायरेक्टर जब ऐसी कहानी को उठाते हैं तो वो पूरा बवाल काट देता है, बवाल मच जाता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो वेब सीरीज लेकर आई थी हंसल मेहता की स्कैम 1992, उसने लोगों की आंखें खोल दी थी शेयर बाजार की सच्चाई को, और किस तरह से उन्होंने दिखाया था और प्रतीक गांधी को किस तरह से एस्टैब्लिश कर दिया था उस कैरेक्टर में, हर्षद मेहता के कैरेक्टर में, कि लोग उन्हें भूल नहीं सकते। तो अब करिश्मा तन्ना के सर पर उनका हाथ आया है, और करिश्मा तन्ना जिन्हें हमने कभी सीरियल्स में देखा है और संजू नाम की फिल्म में देखा था, तो अब उन्हें हम एक बहुत ही एडवांस जर्नलिस्ट के रूप में देख रहे हैं। और इसमें सिर्फ करिश्मा तन्ना ही नहीं बल्कि मोहम्मद जिशान आयोग, हरमन बवेजा, प्रसन्नजीत चटर्जी जैसे एक मंझे हुए कलाकार है। ट्रेलर में तो ऐसे सब कुछ क्लियर हो गया है कि ट्रेलर में कि कहानी क्या होगी, क्या क्या दिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी उत्सुकता हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि यह जो कहानी है यह क्राइम बेस्ड स्टोरी है और रियल घटनाओं से इंस्पायर्ड है, तो देखने की जो है उत्सुकता बढ़ती जा रही है। 2 जून तक इंतजार कीजिए और इस वेब सीरीज को हम देखेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि यह वेब सीरीज जो है काफी प्रॉमिसिंग लग रही है और इसे सभी को देखना चाहिए 2 जून को नेटफ्लिक्स पर। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, अभी तो आप इंतजार कीजिए नेटफ्लिक्स की इस स्कूप नामक वेब सीरीज का, लेकिन तब तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए हमेशा अपडेटेड बॉलीवुड की खबरें, रिव्यूज, न्यूज वगैरह सब लेकर आता हूं। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर, अगले वीडियो में। ओम शांति।